अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो गया है। इस ऐतिहासिक समारोह का हिस्सा बनने के लिए दुनिया भर से लोग आए हैं। अलग अलग फील्ड से, चाहे बॉलीवुड हो या क्रिकेट जगत, सभी ने इसमें हिस्सा लिया है। लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं बाबरी मस्जिद का भी जिक्र है। ट्विटर पर भी बाबरी मस्जिद जिंदा है, ट्रेंड कर रहा है। लेकिन आपको आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि अयोध्या में तीन और बाबरी मस्जिद है। एक तो बिल्कुल राम मंदिर के नजदीक है। कौन सी है ये मस्जिदें, आइए इस वीडियो में जानते हैं। दरअसल अयोध्या में विवादित बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 का बताया जाता है। हिंदू संगठन हमेशा दावा करते रहे हैं कि इस मस्जिद को राम जन्मभूमि पर बने मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। वहीं मस्जिद के अभिलेखों के मुताबिक बाबरी मस्जिद को मुगल शासक बाबर के जनरल मीर बकी ने बनवाया था। राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान 1992 में बाबरी मस्जिद ढहा दी गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विवादित भूमि मंदिर बनाने के लिए दे दी गई। अयोध्या में राम मंदिर करीब करीब बनकर तैयार हुआ। आज राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने अनुष्ठान में शामिल होकर प्राण प्रतिष्ठा के सभी नियम और कायदों के साथ प्राण प्रतिष्ठा पूरी की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी इलाके में तीन और बाबरी मस्जिद है? अयोध्या में बाबर काल की तीन मस्जिदों में एक मस्जिद बेगम बालरस्तो राम मंदिर से कुछ ही दूर पर है। वहीं दूसरी मस्जिद बेगम बलरासपुर दर्शन नगर इलाके में है। बाबर काल की तीसरी मस्जिद मस्जिद मुमताज शाह लखनऊ से अयोध्या के रास्ते पर मुमताज नगर में है। ये तीनों मस्जिदें विवादित बाबरी मस्जिद से काफी छोटी हैं। हालांकि इनमें काफी समानताएं हैं। तीनों ही मस्जिदों में एक भी मीनार नहीं है। वहीं तीनों में बाबरी मस्जिद की ही तरह एक बड़ा और दो छोटे गुंबद हैं। लखनऊ के इतिहासकार रोहन तकी कहते हैं कि पूरे अयोध्या जिले में अगर ढूंढा जाए तो कई मस्जिदें बाबर काल की मिलेंगी। ये सभी हूबहू एक दूसरे से मेल खाती हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि बाबर काल की इन सभी मस्जिदों की बनावट में दो चीजें खास हैं। उस दौर की सभी मस्जिदों में मीनारें नहीं होती हैं और सभी में तीन गुंबद दिखते हैं। ये मस्जिद अवध के नवाबों का दौर शुरू होने से 200 साल पुरानी है। अयोध्या जिले में 16वीं सदी के आसपास की मस्जिदें ज्यादा दिखती हैं। सभी में गुंबदों की संख्या 1, 3 या 5 मिलेगी। यहाँ दो गुंबद वाली एक भी मस्जिद नहीं दिखेगी। दो गुंबद वाली मस्जिदें दिल्ली सल्तनत की शैली पर बनाई गई थीं। देश की राजधानी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पूर्व प्रोफेसर और मध्यकालीन इतिहासकार हरभंस मुखिया कहते हैं कि बाबरनामा के मुताबिक बाबर दो बार अयोध्या के क्षेत्र में गए थे। वो करीब 2 दिन इस इलाके में रहा था। किताब के मुताबिक वो शिकार पर भी गया था। हालांकि बाबरनामा में किसी मस्जिद का जिक्र नहीं मिलता है, फिर भी ये स्पष्ट है कि बाबर के दौर में बनाई गई ज्यादातर मस्जिदों का ढांचा एक जैसा था। बता दें कि ढहाई जा चुकी बाबरी मस्जिद की बनावट जौनपुर सल्तनत की शैली पर थी। जौनपुर में मौजूद अटाला मस्जिद पश्चिम से देखने पर बाबरी मस्जिद जैसी दिखती है। अयोध्या में बनी तीनों बाबरी मस्जिद में दो की हालत काफी खस्ता हो चुकी है। केवल मुमताज नगर की मस्जिद ही अच्छी हालत में खड़ी है। स्थानीय हिंदू और मुस्लिम परिवारों का मानना है कि मस्जिद मुमताज शाह विवादित बाबरी मस्जिद के दौर की ही है। इतिहासकार सतीश चंद्र ने किताब मिडवेल इंडिया फ्रॉम सल्तनत टू द मुगल्स में जिक्र किया है कि शुरुआती मुगल शासक और उनके सूबेदारों की इस्तेमाल की गई वास्तुकला एक जैसी थी। शुरुआत बाबर के समय से हुई और मस्जिदों से लेकर सराय तक सभी आपस में मेल खाते हैं। हालांकि अयोध्या के आसपास बनी तीनों मस्जिदों में कोई भी अभिलेख नहीं मिलता जिसमें इसमें बनवाने का समय नहीं मिलता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।